साथ एक बड़ी खबर मिल रही है हमें कानपुर से, जहां पे कॉपरगंज में भीषण आग की खबरें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और मशक्कत कर रही हैं आग पर काबू पाने की। कॉपरगंज इलाके का यह पूरा मामला है, बोरा फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है और दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और सभी दमकल कर्मी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं आग पर काबू पाने की। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोपरगंज इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर भीषण आग लगी हुई है, बोरा फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी हुई है। आपको बता दें दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और फिलहाल आग देख सकते हैं कि किस तरीके से धू धू कर लपटें जल रही हैं, निकल रही हैं और माहौल में एक अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विष्णु राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कैसे लगी ये आग, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए ये कानपुर के थाना अरवानगंज स्थित कोपरगंज का मामला है। यहाँ पे एक कंपाउंड फैक्ट्री है, वहाँ पे प्लास्टिक कारखाना है, वहीं पे प्लास्टिक की बोरियों वगैरह का काम होता है। सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से दिशा आग लग गई है। आग लगते ही आस पास के लोगों ने दमकल को चुन ली, दमकल की आधे दर्जन गाड़ियां मौके पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। विष्णु, जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफी भीषण आग लगी हुई है, लपटें निकल रही हैं, तो ऐसे में क्या कुछ वजह है जिससे ये आग लगी हुई है इतनी भीषण? आग लगी तो वहाँ पे हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों को जो निवास करते हैं उनको वहाँ घटनास्थल से दूर किया गया। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो सबसे पहले आग बुझाने का काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब आग बुझा लेंगे तब आपके कारणों का की जानकारी करेंगे। जी विष्णु, इसके अलावा क्या किसी के क्षतिग्रस्त होने की कोई खबर? अभी जो दमकल कर्मी है वो चारों तरफ से आग को घेर के बुझाने का काम चल रहा है। जब आग बुझेगी, छानबीन शुरू होगी, तभी जानकारी हो पाएगी कि कोई हताहत हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो जहाँ पे आग लगी है ये काफी कंजेस्टेड और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ पे सुबह काम चल रहा था सुबह से, तभी साफ सर्किट से अचानक आग लग गई। विष्णु, जैसा आप बता रहे हैं काफी कंजेस्टेड एरिया था और यहाँ पे आग लगी हुई है, भीषण आग है, हम देख सकते हैं लपटों के साथ ये आग लगी हुई है, तो ऐसे में वहाँ पर जो कंजेस्टेड एरिया है कितनी देर में ये आग बुझने की उम्मीद है और अगल बगल कैसा माहौल देखा जा रहा है इस वक्त? अगल बगल जो है अफरा तफरी का माहौल है, जो वहाँ के आस पास के घर वाले घरों के अंदर रहे थे वो सब घर से बाहर निकला है। जो दमकल की गाड़ियां है वो आग को बुझाने का काम शुरू कर दिए है, क्योंकि वहाँ पे आस पास काफी घनी बस्ती है, आसपास पीछे अनवरगंज इलाका है और जो वहाँ पे व्यापारिक स्थल है, हालात कॉम्प्लेक्स भी है, कई व्यापारिक स्थल भी हैं। जी विष्णु, जहाँ तक कि वहाँ पर तमाम मार्केट भी है, हॉजरी मार्केट है और बहुत सारे केमिकल के ड्रम्स भी मौजूद रहते हैं इस बीच, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसे में इतना बड़ा हादसा, कहीं खतरा बढ़ तो नहीं रहा है ज्यादा? खतरे की बात करें तो जो फायर ब्रिगेड की दमकल के जो कर्मचारी हैं वो लगातार वहाँ पे एक दर्जन से अधिक गाड़ियाँ मौजूद हैं जो आग को बुझा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कई मार्केट हैं, हमराज कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे प्रदेश स्तर पर कपड़े का व्यवसाय होता है, साथ ही वहाँ और भी कारखाने और फैक्ट्री भी है जिसको लेकर वहाँ पे सतर्कता बरती जा रही। सर्वे वाले जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे आग बुझाने का काम शुरू चल रहा है। जी विष्णु, आप देख पा रहे हैं और आप वहीं पे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जितनी तेजी से ये आग बढ़ती जा रही है क्या उतनी ही तेजी से इस आग पर काबू पाया जा रहा है? क्योंकि जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे प्लास्टिक का भी काम होता है, प्लास्टिक की बोरियां है और अन्य सामान और है जो ज्वलनशील पदार्थ है, क्योंकि जब तक वो फायर ब्रिगेड जो अंदर घुसने के रास्ते बहुत छोटे हैं जिस वजह से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, काफी भीषण आग लगी हुई है, हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, आग पर काबू पाए जाने की कोशिश भी लगी हुई है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु। तो आपको बता दें कानपुर का ये पूरा मामला है और कोपरगंज में ये पूरा हादसा हुआ है जहां पर ये भीषण आग देखने को मिल रही है। हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कितनी भीषण आग लगी हुई है, लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है इस आग पर।